साइज में छोटा है उसके बाद जीन दूसरा गया तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोन थोड़ी कहलाएंगे, क्योंकि जीन में भी अंतर है और देखने में भी अंतर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन ए सेक्शन में क्या होता है, उनके अंदर के जीन भी सेम रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो उनका साइज भी सेम रहेगा, आकार भी सेम रहेगा, अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी सेम रहेगी, जिस प्रकार के जीन गए होंगे वो दोनों में भी सेम रहेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो वो होता है क्लोन, यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर। आ रही बात समझ में आता? चलो वेरी गुड। अगला साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या बोल रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली उन जीवों में होता है जो सिंगल सेल के होते हैं, या तो उन प्लांट या एनिमल में होता है जिनमें ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, जो छोटे स्तर के प्लांट हैं या छोटे स्तर के एनिमल्स हैं। आ रही बात समझ में? उनमें अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? अगला है, इसे आगे लिखना है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म जीव। व्हाट्सएप वाली भाषा में लिख लो यार, सबसे आसान व्हाट्सएप वाली भाषा है। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय जीव तथा प्लांट और एनिमल की हिंदी नहीं बोलूंगा, इतना समझ लो, तथा उन प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है जिनकी संरचना साधारण होती है। आ रही बात समझ में? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में पाया जाएगा? मेनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, या ऐसे प्लांट और एनिमल्स में जिनकी ऑर्गेनाइजेशन या संरचना क्या है? सिंपल है। अपन में कभी नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? अपन की बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, हर एक चीज अलग है। अगर अपने में सोचो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, बीच से काट देते, ठीक है, तो मान लो जैसे लीवर है तो इस वाले को मिल गया, स्टमक है इस वाले को मिल गया, तो ऐसा काम चलता क्या? नहीं चलता। तो अपन में पॉसिबल ही नहीं है। आ रही बात समझ में? है ना? तो लेकिन जिनके सिंपल है भैया, जैसे ये सिंपल है, मान लो इसको बीच से काट दिया, आधा आधा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन में ये चीज पॉसिबल नहीं। आ रही बात समझ में? चलो दूसरा पॉइंट देखेंगे। प्रोटिस्टा और मोनेरन्स में है ना, मोनरा प्रोटिस्टा ये सब पढ़े हो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। चलो, इनमें सेल डिवीजन ही इनका रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एक सेल होता है, एक सेल से दो सेल में बढ़ गए, तो एक तरीके से इसको सेल डिवीजन भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ग्रोथ भी बोल सकते हो। फंगी दोनों होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है ना। तो कुछ ईस्ट जो, जैसे ईस्ट हो गया वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ फंगाई होते हैं मल्टी सेल, लेकिन यहाँ का टॉपिक नहीं है, अभी अपन यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? लेकिन होते दोनों, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ, ईस्ट जो होता है एक सेल का हो गया जैसे, और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो दोनों। चलो, मतलब केवल ईस्ट ही बोल सकते हो, केवल ईस्ट ही ऐसा है जो यूनिक सेलुलर है, बाकी लगभग सब मल्टी सेलुलर पूरे बने हैं, केवल एक एक्सेप्शन है ईस्ट सिंगल, ठीक है। चलो, और बाकी लोग अपने टॉपिक। चलो, तो प्रोटिस्टा और मोनरन ये लगभग क्या है? सिंगल सेल के होते हैं, पता है आपको भैया? सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, इसमें आते हैं प्रोटिस्टा। सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल किसमें आते हैं? सिंपल बेसिक है एकदम, ये पता है ना, ये तब बहुत ही कॉमन चीज है ना, ये तो पता होनी चाहिए, यानी तो नाइन्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ये सिंगल सेल के हो गए मोनिरा और प्रोटिस्टा, तो इनमें एक सेल है, जब वो आपस में, जैसे ये मान लो एक सेल है, जब वो आपस में बढ़ेगा तो दो में बदल जाएगा, तो यही उनका ग्रोथ भी हो गया, यही उनका सेल डिवीजन भी हो गया, और यही उनका रिप्रोडक्शन भी हो गया। सही बात है? आ रही बात समझ में? चलो, तो वही पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, पेरेंट्स नोट्स में देखना, पेरेंट्स बने हुए हैं, वो दो सेल में आपस में पड़ गए हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, अगला बाइनरी फिजन लिखा। बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन, हिंदी में जैसे द्विखंडन, द्वि यानी दो, खंडन यानी दो में विभाजन, तो एक सेल का दो में विभाजन। आ रही बात?
समझ में? पर्याप्त हिंदी लिखी है भैया, उत्तर वो लिखता हूँ, उत्तर वो बताता हूँ, बहुत हिंदी लिखी है। चलो तो एक पेरेंट्स है भैया, दो ऑफिस स्प्रिंग में बढ़ गया, दोनों ऑफिस स्प्रिंग साइज में बड़े हो गए, एडल्ट बन गए, इसको बोला बाइनरी फिजन। जैसे ये यहाँ पे क्या समझाया था, बाइनरी फिजन, एक सेल है ठीक है, बीस से टूट गया, प्रॉपर बाइनरी फिजन हुआ उनका, दो सेल में बढ़ गए और दोनों सेल साइज में बड़े हो गए और एडल्ट बन गए। आ रही बात समझ में? चलो एग्जाम्पल इसके जरूरी है, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन किसमें? निम्न में से किसमें बाइनरी फिजन पाया जाएगा? ए ऑप्शन अमीबा, बी ऑप्शन ह्यूमंस, सी ऑप्शन पैरामीशियम, डी बोथ ए एंड सी। अरे बात समझ में? चलो तो बाइनरी फिजन अमीबा एंड पैरामीशियम, बाइनरी फिजन पैरामीशियम, क्लियर है यहां तक? चल वेरी गुड। अगला बडिंग, बडिंग की बात करेंगे, बडिंग कुछ नहीं, चल आ जाओ बडिंग की बात करें। ये मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अभी अपन बडिंग में एग्जांपल की बात नहीं कर रहे, बस समझ के कोई भी ऑर्गेनिज्म है ठीक है। चलो ये क्या किया, अपने ऊपर एक छोटा सा बड या गठान टाइप का उगा दिया ठीक है, ये गठान साइज में थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ठीक है। अब ये इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि अगर ये अलग भी हो जाए तो रह सकती है। चलो तो अब ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ये हो गई अलग। अरे बात समझ में? अब क्या होगा, ये साइज में ग्रो कर जाएगी बट और पेरेंट सुथाई। हमारी बात समझ में? तो ये हो गया बडिंग कि कुछ नहीं, पेरेंट की एक बॉडी थी, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो बड ठीक है। ये क्या है पेरेंट, ये क्या है पेरेंट, ये उसका बड ठीक है। तो पेरेंट्स अपना वैसे ही है, बस ये बड क्या हो गई, अलग हो गई और वो भी साइज में बड़ी हो गई। तो ये बड़ भी क्या हो गई, एडल्ट। अब सेम ये भी काम करेगा, थोड़े दिनों बाद ये भी अपने ऊपर एक बड उगा लेगा, तो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्लियर है यहां तक, समझ में आई बात, कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है, आ जाओ बड़े, आ जाओ ना नोट्स में समझाने के लिए तो है, आ जाओ बड़े। अंडरलाइन करेंगे ईस्ट, अंडरलाइन करेंगे ईस्ट, चलो अंडरलाइन कर लिए इस। चलो इस क्या होता है, फंजाई होता है, यूनिसेलुलर होता है, अभी बता रहा हूँ, सिर्फ इसे रिपीट कर देता हूँ, बाकी टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, वहां अपन पढ़ेंगे ठीक है। चलो तो इस कैसा हो गया भैया, उसमें होगी बडिंग, एग्जांपल है उसका, द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड आर प्रोड्यूस्ड। तो देखो एक पेरेंट्स था, उसमें एक छोटा सा बड यानी छोटी सी गठान टाइप की निकली, नोट्स में देखो दिख रही है बड। चलो अब देखो वो बड अलग हो गई और वो बट अलग होने के बाद साइज में बड़ी हो गई। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया बड़ी, बहुत ही आसान चीज है। चलो अगला, अगला है मेन एग्जाम्पल इसका, बड़ी के समझ में आ गया क्या है, ईस्ट ठीक है। चलो अगला, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, क्लियर है? इंग्लिश के शब्द से जानो, इसकी हिंदी वर्ड बड़े खतरनाक है, घर जाकर पढ़ लेना अच्छा होगा। इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन ठीक है, चलो क्योंकि इनके मतलब से ही इनका निकल रहा है, जो शब्द है इंग्लिश वाले इनसे इनका मतलब निकल रहा है, इसीलिए ये शब्द ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अब जैसे हाँ वेरी गुड, जैसे स्पोरुलेशन समझना क्या, स्पोर बनाना, तो इंसिस्टेशन से कुछ आएगा, कुछ सिस्ट टाइप का बनेगा, कुछ कवर बनेगा ठीक है। आ जाओ पढ़ेंगे, जैसे अमीबा हो गया ठीक है, अमीबा क्या हुआ, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब अच्छी नहीं, गंदी कंडीशन, तो लिख सकते हो अनफेवरेबल मतलब गंदी कंडीशन। तो अमीबा के लिए क्या बन गया भैया, गंदा एनवायरमेंट बन गया, गंदी कंडीशन बन गई ठीक है। चलो तो भैया अमीबा ने क्या किया, अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं पता ही है,